आई एम हियर विद द पोम विच टाइटल इज करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कंपोज बाय सर हेनरी ऑटन। सर हेनरी ऑटन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। क्लास 12th यूपी बोर्ड की फर्स्ट पोम है एट प्रेजेंट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ह्यूमरस पोम एंड प्रैक्टिकल आल्सो यू कैन से दैट। प्रैक्टिकल पोम है, हेनरी ऑटन ने लिखा है इसको, कंपोज किया है। एंड हेनरी ऑटन वॉज एन इंग्लिश ऑथर, डिप्लोमैट एंड पॉलिटिशियन हु सैट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स में रहे उन्हें भेजा गया। एंड ही इज ऑफन क्वेटेड एज सिंग, उनके लिए हमेशा कहा जाता रहा, ये कहा गया एन एम्बेसडर। एम्बेसडर मीन्स राजदूत। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट जेंटलमैन। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट जेंटलमैन सेंट टू लाई अब्रॉड फॉर द ग्रेट फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एक जेंटल व्यक्ति को, जेंटल पर्सन को झूठ बोलने की पीरियड 1568 टू 1639। He was born in 1568, 1568 में जन्म हुआ एंड 1639 में डेथ हुई उनकी। इट्स अ वेरी ग्रेट पोम एंड फोकसेस ऑन अ मैन हु इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग एंड हु एंजॉयज लाइफ विथ सिंपल वे ऑफ लिविंग। जो अपने जीवन का एंजॉय करता है सिंपल वे ऑफ लिविंग से। देयर इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस, मैसेज भी है यहां पर, टू ओबे गॉड, गॉड को ओबे करना। एंड वी शुड बी गुड विद अदर्स, हमें दूसरे के साथ भी अच्छा रहना है, सो दैट ताकि क्या हो, वी मे बी हैप्पी एंड कंटेंटेड, हम हैप्पी हो, खुश हो और संतुष्ट रहें। राइट, नाउ लेट स्टार्ट विद द पोम। पोम की पोम में फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज किए गए, ध्यान दीजिएगा, एल्टरेशन यूज किया गया है, एनाफोरा यूज किया गया है, ऑक्सीमोरन लास्ट लाइन में यूज किया गया है, रिपिटेशन यूज किया गया है। और पोम की यदि राइमिंग स्टाइल देखें तो ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, सो ऑन, इसी तरीके से स्टैंजा वाइज ए बी ए बी है राइमिंग स्टाइल। और बहुत फेमस पोम है सर हेनरी ऑटन की, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर समझिएगा अच्छे से, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई करूं हर हाल में। तो वेरी फर्स्ट लाइन, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, इट्स एक्सक्लेमेटरी लाइन है। व्हेन यू कन्वर्ट द लाइन इनटू असेंटिव द सेंटेंस यू विल फाइंड ही हु इज बॉर्न आर टॉट इज वेरी हैप्पी। जो बॉर्न है या टॉट, जो शिक्षित है, पढ़ रहा है, लर्न्स है या जन्म लिया, बहुत खुश है। कौन, हु हैज दीज क्वालिटी, जो इन क्वालिटीज को रखता है, जिसके पास ये सारी क्वालिटीज हैं, वो बहुत खुश है, प्रसन्न है। दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल्स, जो किसी की सेवा दूसरे की विल से नहीं करता। यदि उसे सेवा करना है तो अपने विल से करे, उसके अंदर जो विल पावर है वो यदि अलाउ करे, देन ही सर्व्स एनीवन, तब वो किसी की सेवा करता है। हुज और मोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर मोर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। और वो माने कवच, प्रोटेक्शन, जिसका प्रोटेक्शन क्या है, हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदार विचार ही जिसका कवच है। हमेशा वो ईमानदारी से काम करता है। यदि आप ईमानदार हैं, हमेशा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो यू नेवर हैव एनी प्रॉब्लम, एनी फियरनेस फ्रॉम एनीवन, किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट है, एंड योर ऑनेस्टी इज योर आर्मर, आपकी कवच, आपका प्रोटेक्शन, योर ऑनेस्टी इज योर प्रोटेक्शन, आपकी ईमानदारी ही आपकी सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है, कवच है, तो क्या करने की जरूरत है। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और सिंपल ट्रूथ जिसका सबसे अच्छा स्किल, उस जो जिसको सबसे अच्छा महारत हासिल है, किसमें हासिल है, सिंपल ट्रूथ बोलने में, बड़ी से बड़ी ट्रूथ को बड़ी सिंपली जो रिप्रेजेंट कर देता है, बोल देता है, स्पीक आउट कर देता है, रख देता है, ऐसा व्यक्ति जन्म लेने वाला, ऐसी शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति कितना प्रसन्न है, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न है। इस तरह का व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होता है और अत्यधिक प्रसन्न। सेकेंड स्टेंजा,
whose passions not his masters are. Passions means desires. Not what his masters are. Who is not mastered by his desires. जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के द्वारा मास्टर्ड नहीं किया जा रहा है. मास्टर्ड मीन्स जिसको हैंडल नहीं किया जा रहा अपनी इच्छाओं के द्वारा, जो अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहा है. ध्यान देने वाली बात है, जो अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहा है. हु सोल इज एज. एक्चुअली होता क्या, हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं कि इच्छा पूरी होती है, हमारे पास दूसरी इच्छा आ जाती है. अभी हम पैदल जा रहे हैं, कोई इच्छा हुई साइकिल मिल जाए, घर वालों को साइकिल दिला दी और उसके बाद फिर क्या हुआ, साइकिल मिली और एक महीने बाद अब स्कूटी चाहिए. तो अब हम उस साइकिल का एंजॉय नहीं कर पाए, अभी स्कूटी मिल गई, स्कूटी चलाया, छह महीने बाद बाइक चाहिए, स्कूटी का एंजॉय नहीं कर पाए, बाइक मिली, साल बाद कार चाहिए. तो हम यदि इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो जो भी हमारी डिजायर्स फुलफिल हुई उनका कभी हम एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, उनसे हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे, दुख बना ही रहेगा. कहता हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी सोल हमेशा डेथ के लिए तैयार रहती है, जो कभी डरता नहीं डेथ से, जिसकी आत्मा हमेशा तैयार रहती है मरने के लिए. क्योंकि सबसे बड़ा डर किस बात का है, मरने का. किसने लगा दिया पिस्टल, ये काम करो, हमसे गलत काम करा लिया, गलत काम कर दिया तो वो गलत काम जिंदगी भर कष्ट देगा, उससे अच्छा है इसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है. कुछ व्यक्ति शरीर से जिंदा होते हैं, मन से मर जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा मरने के लिए तैयार हो लेकिन अपने उसूलों के साथ, अपने जो उसके आइडियोलॉजी है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कैसा है, बहुत खुश है. अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, जो कि संसारिक चिंताओं से मुक्त है, जिस संसार की चिंता नहीं है, सब अपने हिसाब से आए हैं, सब अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं. हम क्यों दूसरों की चिंता में लगे रहते हैं, हम अपने हमारा बेटे क्या होगा उसको देखते चले जा रहे हैं, उसका करियर देखते चले जा रहे हैं. ठीक है बेटा भाई चलो बड़ा हो गया, ठीक है सब कुछ करे से, अब बेटे के या उसके बच्चों की चिंता कर रहे हैं, कब तक करेंगे. कभी अपने बारे में सोचो, कभी इस लाइफ में दूसरा मोटो क्या है जिसके लिए आए उसके बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो. जो है सिर्फ केवल जो है दूसरों की चिंताओं के, पड़ोसी के, अच्छा आज इनके यहाँ ज्यादा पैसा आ गया, लड़का इनका ये बन गया, हम ये नहीं कर पाए, हमारा लड़का ये नहीं हो पाए, नो नीड टू थिंक अबाउट देम. दूसरों की चिंता नहीं करना, वर्ल्डली केयर नहीं करना, वर्ल्डली पोजिशंस नहीं करना. कहता है आप पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रीथ, दुनिया की चिंता किस वजह से नहीं करना, दुनिया के पब्लिक फेम की चिंता नहीं करना कि लोग हम निकले तो मेरे जय जयकार हो, लोग मेरे नाम से मुझको जाने, मेरे को करे. जो व्यक्ति लोगों के द्वारा दी जाने वाली प्रशंसा से मुक्त है. एंड प्राइवेट ब्रीथ, जो लोगों की बैकपाइप चुगली से नहीं डरता है, चुगली की चिंता नहीं करता. ऐसा जन्म लेने वाला या शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति कितना प्रसन्न है, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न. चुगली की चिंता करो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, दुनिया में सबको कभी कुछ नहीं किया जा सकता. अपने को जो सही लगे, आपको जो सही लगे वो काम करिए, आगे बढ़िए, आप खुश रहेंगे, आपका मन खुश रहेगा और आपके द्वारा होने वाले काम भी अच्छे होंगे जिससे दूसरे भी खुश रहेंगे. थर्ड वर्ड बहुत अच्छी बात है, वो इनवाइजेस नन दैट चांस टू थ्रेस, जो उन लोगों से हेट नहीं करता, हु विल नेवर हेट देम, हु विल गेट द वेल्थ प्रॉपर्टी पोजीशन बाय चांस बाय लक. जो किस्मत से जिन लोगों को प्रॉपर्टी मिल गई, पोजीशन मिल गई, पद मिल गया है, पोस्ट मिल गई, ऐसे लोगों से जो व्यक्ति घृणा नहीं करता है, नारवाइज जो उनकी बुराई नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति कैसा है, अत्यधिक प्रसन्न है. हु नेवर अंडरस्टूड, बहुत अच्छी रहने की, जो कभी ये नहीं समझ पाया हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाय प्रेज, प्रशंसा के द्वारा किसी को गहरे घाव कैसे दिए जा सकते हैं. मैं हूं फाइट हो गया, पेट निकल गया, निकल आया, आज से 10 ईयर बिफोर ऐसा नहीं था, अब निकल आया. अब कोई मेरा मित्र है उसको मेरी बुराई करना है लेकिन सीधे नहीं कर सकता क्योंकि लड़ाई हो जाएगी, तो डीपेस्ट वाउंड्स कैसे देना बाय प्रेज. क्या बात है वाजपेयी जी, पेट ना होता तुम्हारे शरीर में कुछ ना होता, बस पेट ही है जो पूरी शरीर की जान है. अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कमेंट है कॉम्प्लीमेंट, कमेंट करा है कॉम्प्लीमेंट, अब हम लड़ भी नहीं सकते, यार हम खुशी खाने पीने वाले घर के लगते इसलिए किया, लड़ रहे हैं और हंस रहे हैं तो दूसरे सोच रहे हैं कि अच्छा देखो मजाक बना दिया, समझ नहीं पा रहा. तो कहता हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाय प्रेज, जिसने ये नहीं सीखा कि किसी को प्रशंसा से गहरे घाव दिए जा सकते हो, कितना प्रसन्न है, था अत्यधिक प्रसन्न. क्यों, बिकॉज ही नेवर वॉन्ट टू गिव एनी वाउंड टू एनी वन, क्योंकि वो किसी को कोई घाव ही नहीं देना चाहता. ना रूल्स ऑफ स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रूल्स ऑफ गुड, जो कि स्टेट के नियमों को नहीं मानता बल्कि अच्छाई के नियमों को मानता है, जो गुड वेलफेयर, जो दुनिया के लिए वेलफेयर है, गुड है, अच्छा है, उनके नियमों को मानता है,
उनकी उन नियमों को फॉलो करता है। ऐसा बॉर्न होने वाला, टॉट होने वाला व्यक्ति कितना प्रसन्न है, मीन्स ही इज सो हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। फोर्थ वन, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रिमर्स फ्रीड, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, जो अफवाहों के पीछे नहीं पड़ता। यदि आप अफवाहों की सफाई देने लगो, उनमें अपने आप को क्लियर आउट करने लगो, तो और आप और ज्यादा फंसते चलो जाओगे और लोग और अफवाह उड़ाएंगे, उनको लगेगा कि आप इससे ये चीजें आपको जो है अफेक्टेड कर रही हैं, और वो यही चाहते हैं आप उनसे अफेक्टेड हो और आप डाइवर्ट हो जाए अपने टारगेट से। जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, कहता है हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, कॉन्शियस माने पैसेंस, कॉन्शियस माने सोल, जिसका सोल पैसेंस अंतःकरण उसकी रिट्रीट माने शरण स्थली, उसकी सबसे बेस्ट शरण स्थली, सबसे अच्छी शरण स्थली, मीन्स वेन एवर यू फील डाउट, थिंक इन योर, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर एंड द सोल्यूशन फ्रॉम योर ओन सेल्फ, अपने अंदर से वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। यदि आप अपने अंदर से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसी और से डिस्कस नहीं करते, तो पॉसिबली आप कंफर्म मान लीजिए कि यू विल फाइंड द बेस्ट आंसर, बेस्ट सोल्यूशन, आपको बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा, जो बेस्ट होगा, जो अपने अंतःकरण में ही, जिसकी सबसे अच्छी श्रेणी स्थिति उसका खुद का अंतःकरण है, वो व्यक्ति कितना प्रसन्न है, अत्यधिक प्रसन्न है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर स्पीड, जिसका ग्रुप कंपनी, दोस्तों की कंपनी फ्लैटरर्स फीड नहीं है, चापलूसों से नहीं भरी है। कहा गया है कौ क्या सचिव वैद गुरु तीन प्री बोले भाई आज इस तरह की कुछ लाइन लिखी तुलसीदास जी ने, क्लियर नहीं है। राज धर्म तन तीन का हुई है बे गई नाश। यदि आपसे सचिव मतलब आपके मित्र जो आपके साथ रहते हैं, आपका गुरु, आपका जो वैद्य है डॉक्टर, ये लगातार अच्छा बोल रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, मीठाई बोल रहा है, नहीं आपको कुछ नहीं, आप कुछ खाओ जाके जो कुछ करना हो, तो समझ लीजिए सचिव बने मित्र अच्छा बोल रहे हैं तो आपका बहुत जल्दी क्या चला जाएगा, राज चला जाएगा। डॉक्टर अच्छा बोल रहा है, अच्छा अच्छा बोल रहा है, आपको सही सलाह नहीं दे रहा तो आपका तन चला जाएगा। और गुरु यदि अच्छा अच्छा बोल रहा है, कभी डांट नहीं रहा, सही सलाह नहीं दे रहा, आप जो कर रहे हो सब सही सही, तो आपका धर्म चला जाएगा। कहता हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर स्पीड, जिसका राज चापलूसों से नहीं भरा है, सच्चे लोगों से भरा है, जो आपको अच्छे में अच्छा कहें और बुरे में बुरा कहें, आपके मुंह पे ऐसे लोगों से भरा है, तो आपका जीवन प्रसन्नता से भरा रहेगा। ना रूंस मेक अपोजर्स ग्रेट, जिसका विनाश उसके विरोधियों को महान नहीं बनाता, प्रसन्न नहीं बनाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अटल जी के, बहुत सारे विरोधी थे, प्रधानमंत्री रहे, बहुत विरोधी थे, लेकिन कभी भी वो जब इंस्पायर हुए, खत्म हुए या बीमार हुए, तो उनके विरोधी भी उम्मीद करते थे और प्रार्थना करते थे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हैं अभी ऋषि कपूर जी, इरफान खान तो गए, क्या विरोधी नहीं होंगे, दुनिया में सबके विरोधी, लेकिन उनको भी तकलीफ हुई, क्योंकि विरोध उनका मतभेद हो सकता है, ओपिनियन का विरोध हो सकता है, हमारी विचारधारा नहीं मिल रही, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, ये विरोध है, लेकिन व्यक्ति के हम काम से विरोध नहीं, उसके क्वालिटी से विरोध। ऐसा व्यक्ति जब जाते हैं तो विरोध लोग क्या कहते हैं, यार देखो व्यक्ति हमारा नहीं मन मिलता था, लेकिन व्यक्ति अच्छा था। तो जिसका विनाश उसके विरोधियों को महान नहीं बनाता, इस तरह का बॉर्न या टॉट जन्म लेने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति कितना प्रसन्न है, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न है, इस तरह का व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न। गॉड डोज लेट एंड अर्ली प्रे, जो गॉड की प्रे करता हो, कब कब, लेट सोते टाइम, अर्ली सुबह जल्दी जगते टाइम, मॉर्निंग, किस लिए प्रे करना चाहिए सबको, मीन्स एग्जिस्टेंस वो बिलीव करता हो कि गॉड है, एग्जिस्टेंस उसका मानता हो, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, लेकिन किस लिए प्रार्थना करता हो, उससे लैंड गिफ्ट्स के लिए नहीं, उसे उपहार मांगने के लिए नहीं, बल्कि ग्रेस उसकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा मांगने के लिए, उसकी कृपा जिसके ऊपर हो गया, उसका ब्लेसिंग जिसके ऊपर हो गई गॉड की, उसको किस बात की तकलीफ। लोग प्रार्थना कर, भगवान पैसा दिला दो, भगवान सगरा नौकरी लगवा दो, भगवान गाड़ी दिलवा दो, इसलिए नहीं, यदि उसका हाथ है, प्रोटेक्शन है, उसका गाइडेंस है आपके ऊपर, तो आपके पास तो सब कुछ होगा, आपको भी जरूरत ही नहीं। वो जब इटरनल फादर है, तो फादर को तो पता ही आपका डिजायर क्या, वो हर जगह है, इटरनल है, ओमनी प्रेजेंट है, उससे उसकी कृपा मांगो, भगवान बस कृपा बनाए रखो, उसकी कृपा होगी, आपके पास सब कुछ होगा। ऐसा व्यक्ति जो भगवान की प्रार्थना करता हो सोते टाइम, सुबह जल्दी जगते टाइम, उसके एग्जिस्टेंस को मानते हुए प्रार्थना करता हूं उसकी कृपा पाने के लिए, उसके उपहार में उसकी कृपा पाने के लिए, ऐसा व्यक्ति कितना प्रसन्न है, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न है। एंड इंटरटेन्स, जो अपने दिन को इंटरटेन करता हो, द हार्मलेस डे,
नुकसान रहित दिन बिना बर्बाद किए हुए अपने दिन को एंटरटेन करता हो, अपने आप को मनोरंजित करता हो, अपने को इंगेज रखता हो, किसके साथ? इधर रिलीजियस बुक्स, हॉली बुक्स के साथ, रिलीजियस बुक्स के साथ, ट्रेस नहीं, भोड़ा साहित्य नहीं, अच्छी किताबों के साथ जो लेसन देते हैं, जो टेल्स लिखा है, जो जिनमें बहुत सारे नॉलेज दिया गया, बुक्स कहीं की भी हो पढ़ना चाहिए सभी को। लाइफ में पढ़ते रहिए, जब मौका मिले तब पढ़िए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, साइंस पढ़िए, जो पढ़ना पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, जो पढ़ना, आपको नॉलेज ही देगा, बुक्स पढ़ना चाहिए, नॉलेज मिलेगा आपको, अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए। और फ्रेंड जो अच्छे रिलीजियस बुक्स के साथ अपनी, ऐसा राधा कृष्णन ने कहा कि आप अपने क्लासिक्स को पढ़िए, हम अपने धर्म की क्लासिक्स को पढ़िए, हॉली बुक्स को पढ़िए, जब वो खत्म हो जाए तो दूसरे के धर्म की क्लासिक्स को पढ़िए, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, नहीं अच्छा जो मिलेगा वो एडॉप्ट करिए। खाने में बैठते हैं अच्छा ही क्यों खाते हैं और छोड़ देते हैं जो हमें नहीं पसंद। उसी तरीके से अच्छे मित्रों के साथ आप दिन को एंटरटेन करते हो, वो व्यक्ति जो अपना बिना बर्बाद किए हुए अपने आप को एंटरटेन करता है, हु पासेस हिज टाइम हिज डे विद द रिलीजियस बुक, हॉली बुक्स एंड गुड फ्रेंड्स, राइट, ही हैज अ फॉर योर हैप्पीनेस, ही हैज हैप्पीनेस फॉर योर, हमेशा के लिए खुशी रखता है, प्रसन्नता रखता है। लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल माने मैनी, बैंड्स माने बॉन्डेज, कहता है बॉन्ड बैंड्स, दिस मैन, इस तरह का व्यक्ति, किस तरह का व्यक्ति जो इन क्वालिटीज को रखता है, जो जन्म लेने वाला शिक्षा ग्रहण कर, जो जन्म लिया शिक्षा, शिक्षा सभी को मिलती है, ठीक है, जन्म लेने वाला शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो स्टूडेंट है वो इस बहुत सारे बंधनों से मुक्त रहता है। कौन से बंधनों? आप होप टू राइज, आगे बढ़ने की उम्मीद, आप फियर टू फॉल, नीचे गिरने के डर के बंधनों से मुक्त रहता है, यही तो सबसे बड़े डर है। हर व्यक्ति जीवन में केवल उम्मीद क्या रखता है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, डर किस चीज का सबको होता है, कहीं यार इस लाइफ स्टाइल से पीछे ना चले जाए, इसलिए रिस्क नहीं लेते बहुत लोग, या बहुत लोग कुछ नहीं करते, वो इन तरह के बहुत सारे बंधनों से, मृत्यु के बंधनों से, मृत्यु के डर के बंधनों से मुक्त रहता है। कौन? जिनके पास ये क्वालिटी होती है, कौन? जो कि किसी दूसरे की सेवा किसी दूसरे की इच्छा से नहीं करता बल्कि अपनी इच्छा से करता है, क्योंकि जब अपनी इच्छा से करेंगे तो श्रद्धा होगी, तब आपके अंदर वो विल पावर होगी सेवा, और विल पावर जब करेंगे तो सेवा भी अच्छी होगी और उसका आपको जो रिजल्टेंट वो भी पॉजिटिव मिलेगा। जिसके ईमानदार विचार ही उसके सबसे अच्छे प्रोटेक्शन है, कवच है, उसको सबसे बड़ी महारत हासिल हो छोटे छोटे सत्य बोलने में, बड़ी से बड़ी बात को सिंपली सच के रूप में बोलने में, ऐसा व्यक्ति, राइट। क्यों? हम लोग सिंपल से, हम घर के बाहर जा रहे होते, पापा पूछते कहाँ जा रहे हो, पापा पढ़ रहे हैं, और हमारा आंसर क्या होता, अभी आ रहे हैं, झूठ हो गया, हम जा रहे हैं, वो पूछे कहाँ जा रहे हो, हम कह रहे हैं अभी आ रहे हैं। समझिए, युधिष्ठिर के बारे में आपने सुना होगा, धर्मराज कहा गया, पूरे जीवन सत्य बोले, क्यों? एक ही अधूरा सत्य बोला, अश्वस्थम मरो नरो या कुंजरो, पता था कुंजर है तब भी उन्होंने नर लगा दिए कृष्ण के कहने पे, और उसी समय कृष्ण ने संग बजा दिया। इस अधूरे असत्य की वजह से नहीं मिला, हम तो जीवन भर धोखे को अधूरा सत्य बोल जाए, ठीक है, उन्होंने अधूरा सत्य बोला था। कहता है सिंपल ट्रूथ, जिसकी सबसे अच्छा महारत हासिल हो साधारण सत्य, हर बात को सत्यता से बोलने के लिए। कहता है जो अपनी माल इच्छाओं का मालिक ना हो, जो मृत्यु से कभी ना डरता हो, जो संसार जनता के पब्लिक फेम, जनता की प्रसन्नता के लिए परेशान ना हो, या लोगों की चुगली के लिए परेशान ना हो, संसारिक चिंताओं से जो मुक्त हो, जो अपने ऐसे लोगों से घृणा ना करता हो जो कि अपनी किस्मत की वजह से आगे बढ़ गए हों, जो किसी की बुराई ना करता हो, जो किसी को प्रशंसा के द्वारा गहरे घाव देना ना जानता हो, जो कि राज्य के नहीं बल्कि अच्छाई के नियमों को मानता हो, जिसका साम्राज्य अफवाहों से मुक्त हो, अफवाहों पीछे जो ना पड़ता हो, जिसका सबसे अच्छी शरण स्त्री उसका अंतःकरण हो, जिसका राज इसके दोस्त, इसके कंपनी, दोस्तों की कंपनी जो है चापलूसों से मुक्त हो, जिसका विनाश उसके विरोधियों को भी महान न बनाता हो, जो ईश्वर की प्रार्थना रात को देर में और सुबह जल्दी जो है उससे उससे उपहार पाने के लिए नहीं बल्कि उसकी कृपा पाने के लिए जो ईश्वर की प्रार्थना करता हो, जो कि बिना बर्बाद किए हुए अपने अपने दिन को, बिना बर्बाद किए हुए जो है किसी भी समय को बिना बर्बाद किए हुए अच्छी पुस्तकों को पढ़ता हो, अच्छे मित्रों के साथ गुजारता हो, इस तरीके से अपने दिन को एंटरटेन करता हो, ऐसा व्यक्ति अनेकों बंधनों से मुक्त होता है, उसको ना ही
होप टू राइज, ना ही आगे बढ़ने की उम्मीद होती ना गिरने का डर होता है। उम्मीद करना ये नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ना, ही वॉन्ट्स टू गो फॉरवर्ड बट वो कभी होप में नहीं रहता। अच्छा करोगी आप आगे बढ़ोगे, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। फियर टू फॉल और ना ही उसको गिरने का डर होगा, क्योंकि आप अच्छे हो तो कभी नीचे गिरना ही नहीं। लास्ट टू लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, सच मैन, ऐसा पर्सन जो ऐसी सच क्वालिटीज रखता हो मेरिट, वो खुद का ही लॉर्ड होता है, स्वामी होता है, मालिक होता है, बंधनों से मुक्त होता है। सर्विट्यूड और फ्रीडम की फीलिंग फिर लास्ट में आ रही, शुरुआत में भी यही दिखाया उन्होंने, सर्विट्यूड और फ्रीडम, फिर लास्ट में उन्होंने वही दिखाया, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का मालिक होता है, किसी के पीछे नहीं चलना, मैं स्वतः में सक्षम हूं, कैपेबल हूं। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि लैंड्स नहीं उसके पास, प्रॉपर्टी नहीं है, लैंड्स नहीं है, वो कुछ नहीं, लेकिन वो मालिक है खुद का, किसी का गुलाम नहीं है, स्लेव नहीं है, है? पराधीन सपने सुख नहीं, सोने के पिंजरे बंद पंछी को भी मजा नहीं आता। आपको एक बहुत अच्छी जगह रख दिया जाए और सारी टीवी ना हो, मोबाइल ना हो, न्यूज़पेपर ना मिले और आपके सारी सुविधाएं हो, कमरे से बाहर निकलने ना दिया जाए, अच्छा खाना दिया जाए, लेकिन आपको एंजॉय नहीं कर पाएंगे लाइफ को, आपको बाहर निकलने का मन करेगा। आजकल आप देख ही रहे होंगे लॉकडाउन में, तो लॉर्ड ऑफ लैंड्स, जमीन नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, फिर भी लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वतः का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दैट हैथ ऑल, बट ही हैथ ऑल, नॉट हैविंग नथिंग, कुछ भी उसके पास नहीं, लेकिन सब कुछ है, क्योंकि वो अपने आप में खुश है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ है, फ्री है, अपने आप का स्वामी है, वो कुछ भी ना रखते हुए सब कुछ रखता है। लास्ट लाइन में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया, कुछ भी ना रखते हुए भी वो सब कुछ रखता है। ही हैविंग नथिंग बट हैथ ऑल, ही हैज एवरीथिंग इन हिज कॉन्शियस, इन हिज रिट्रीट, इन हिज माइंड, नॉट इन वर्ल्डली पोजिशन, इन वर्ल्डली मैनर, सांसारिक रूप में नहीं, अपने आप में प्रसन्न है, खुश है, संतुष्टि है, कंटेनमेंट है, संतुष्ट है, सब कुछ है, संतोषम परम तरम सुखम, आपने पढ़ा है, तो कुछ ना रखते हुए सब कुछ रखता है। बहुत अच्छी पोम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, हमारी लाइफ में अडॉप्ट करने लाइक पोम है, मैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, ये कविता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सर हेनरी ऑटन की। और जिसको जहां दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, वो कमेंट में करके अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर करूंगा। आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, यदि इसका कंटेंट चाहिए, आपको एक्सट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, ये सॉल्व क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं आपको आपके पर्सनल व्हाट्सएप में भेज दूंगा। और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए और बताइए कमेंट में, ताकि मैं आपके लिए जो और भी बहुत यूपी बोर्ड के सारे अभी तक मैं बना नहीं रहा था, यूपी बोर्ड से टच भी खत्म है 7-8 साल से, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई, फोन आए, कुछ पुराने स्टूडेंट्स थे, उनके भाई लोग पढ़ रहे हैं, सब बना के भेज दीजिए, तो मैंने किया है। आप करेंगे कमेंट तो और लाइक करेंगे तो बिल्कुल मैं आगे करूंगा, और आपके प्रोज के, मर्चेंट ऑफ वेनिस ग्रामर, ये सारे वीडियोज मैं अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू।